फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका त्रिपाठी आप लोगों का मेरे किचन में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। वो है व्हीट फ्लोर पिनव्हील की रेसिपी। ये देखिए देखने में कितना टेस्टी, कितना क्रिस्पी और कितना यमी लग रहा है। ये देखिए, मैं भी आपको खा कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही यमी है फ्रेंड्स। तो आइए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस पिन व्हील को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डो लगा लेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने लिया है एक कप व्हीट फ्लोर यानी एक कप गेहूं का आटा, ठीक है। अब मैं इसमें मिक्स करूंगी 1 टेबल स्पून सूजी, जिसे रवा भी बोलते हैं और सेमोलिना भी बोलते हैं। इसमें रवा डालने से क्या होगा, थोड़ा सा ये जो क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। अब हम इस मैं इसमें डालूंगी 1.5 टीस्पून ऑयल, ठीक है। मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून अजवाइन और थोड़ा सा ब्लैक सीड्स, ठीक है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे मोइन करेंगे इस तरह से हाथों से, हाथ के हेल्प से। जितना अच्छा मोइन करिएगा उतना ही ये खस्तादार अच्छा क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। बिल्कुल तेल के साथ जो आटे की बाइंडिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए, तो समझ जाइएगा कि आपका जो ये आटा है अच्छे से मोइन हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा से ये बन रहा है, ठीक है। आटा हमारा अच्छे से मोइन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा, मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। अब पानी अगर कम लगेगा तो और हम लोग पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमें पहले धीरे धीरे पानी डालना है और बिल्कुल सख्त आटा तैयार करना है, बिल्कुल टाइट डो बनाना है हमें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग यहाँ पे व्हीट फ्लोर यानी गेहूं के आटे की जगह आप लोग ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदे का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा डो जो है बिल्कुल टाइट डो जो बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी। और ये देखिए, मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें से मेरा 1/2 कप से भी कम पानी लगा है, ठीक है। अब हम लोग इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बॉयल पोटैटो को मैश करके ले लिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज जो है उसे एकदम बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में बारीक काट कर मैंने ले लिया है। और 1 हरी मिर्च और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ मैंने ली हैं। जिनको प्याज और लहसुन पसंद नहीं है वो इसे स्किप कर सकते हैं। ये मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को का पाउडर लिया है। ये मैंने रोस्टेड कोरिएंडर सीड्स पाउडर लिया है यानी रोज धनिया को भून के उसका मैंने पाउडर बना लिया है। और ये मैंने रोस्टेड क्यूमिन सीड्स यानी रोस्टेड जीरा पाउडर मैंने लिया है, ठीक है। ये मैंने थोड़े से कुछ फेनल सीड्स लिए हैं यानी सौंफ लिया है मैंने। ये मैंने कसूरी मेथी ली है, ठीक है। ये सॉल्ट है, ये रेड चिली पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है और ये गरम मसाला पाउडर है। अब मैंने जो यहाँ पे ब्लैक पेपर और ये कोरिएंडर सीड्स रोस्टेड कोरिएंडर सीड्स पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर एंड ये फेनल सीड्स जो लिया है और कसूरी मेथी लिया है, इससे जो इस स्टफिंग का जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत यमी, बहुत टेस्टी आएगा इसका टेस्ट। इसलिए मैंने कच्चे पाउडर का यूज़ नहीं किया है। रोस्ट करने से उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप लोग धनिया पत्ता यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें सारे इन्ग्रीडियंट्स डालूंगी। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, अब इनको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। तो हमारी स्टफिंग जो है तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्टफिंग तैयार है और हमारा डो भी सेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस हाथ थोड़ा सा मैंने तेल लगाया है अपने पाम पे और मैं इसे 1 मिनट तक इसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लूँगी और अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मसल कर चिकना कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, ठीक है।
और इसका अच्छे से चिकना बॉल बनाकर अब मैं इसे बोर्ड पे बेलूंगी, इसे रोल करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बेल दिया है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने रोटी बेल ली है। ये देखिए, ज़्यादा ना मोटा है ना पतला है ज़्यादा, ठीक है। बिल्कुल पूरी की तरह हमें बेलना है, पूरी से हल्का सा पतला हमें बेलना होगा, ठीक है। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। मैं इसे कट करूंगी। फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम बच्चे के पिंगल्स भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमें करना क्या है कि मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जो है, यानी 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है, ठीक है। अब उसका मैं जो पतला घोल, एकदम बिल्कुल पतला घोल मैं तैयार करूँगी इस पिन व्हील्स की कोटिंग के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ एक तरफ पैन में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, ठीक है। ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे पिन व्हील्स जो है जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ जो है ये घोल मैंने तैयार कर लिया है बेसन का। आप लोग इसकी जगह पे मैदा या कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं बेसन की जगह पे, ठीक है। मेरा ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक पिन व्हील्स को उठाऊंगी और इस तरह से कोट करके मैं इसमें ऑयल में मैं डाल दूंगी, ठीक है। गैस का फ्लेम जो है लो मीडियम रखना है, लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, तभी अच्छा फ्राई हो पाएगा। सारे पिन व्हील्स को मैं ऐसे ही कोट करके बेसन का जो घोल है वो हमें बिल्कुल ही पतला रखना है, गाढ़ा नहीं रखना है। अब ये देखिए, इस तरह से पलटते हुए हम इसे चलाएंगे, ठीक है। एक साइड से अच्छे से पक जाने पे इसे चलाएं, ठीक है। ये देखिए, अच्छा गोल्डन ब्राउन फ्राई हो रहा है मेरा पिन व्हील्स। ये देखिए, बिल्कुल ही फ्लेम जो है बिल्कुल भी हाई ना करें, नहीं तो पिन व्हील जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से वो कलर उसका ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके मैं पलट रही हूँ। देखिए, मैंने इसे इस तरह से पलट दिया है। मैं इसे सारे तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पिन व्हील्स जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसे एक बास्केट में मैंने वाइट पेपर लगा दिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो पेपर ऑब्जर्व कर ले। अब मैं इस बास्केट में, पेपर वाले बास्केट में मैं इस पिन व्हील्स को इस तरह से निकाल लूँगी और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए और बचे हुए पिन व्हील्स को मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बचे हुए पिन व्हील्स को भी वैसे ही बेसन में कोट करके डाल दिया है। अब उसे मैं सेम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक उसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पिन व्हील्स को फ्राई करके निकाल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे, कितने क्रिस्पी हमारे पिन व्हील्स जो है बन के तैयार हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये पोटैटो और गेहूँ के आटे से बना हुआ ये नाश्ता है। इसे आप लोग स्नैक्स में ले सकते हैं। ये बहुत ही, कोई भी मेहमान अगर आपके घर पर अचानक से आ जाते हैं तो आप इसे, इस नाश्ते की रेसिपी को आप उन्हें बनाकर खिला सकते हैं, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी हमारा नाश्ता ये बनके तैयार है। अब हम इसे, इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी, बहुत ही आपको समोसा का टेस्ट आएगा। और फ्रेंड्स, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसके डो पर बिल्कुल ध्यान दें। इसका मैंने सूजी सेमोलिना का मैंने यूज़ किया ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी बने और इसका डो जो है बिल्कुल टाइट लगाना है। इसे जो फ्राई करना है वो हमें लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, इसे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा।
तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसे अपने आइडियाज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।